रिएक्शन है, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? मेरे ख्याल से बंदा जिस तरीके की सफल फिल्म हुई है, जो मुझे बताया जा रहा है कि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा सफल कोई फिल्म, जो ओरिजिनल फिल्म, आज तक नहीं हुई है। और जिस तरह से डिमांड है लोगों की, और लोग सिर्फ एक बार नहीं, चार बार, पांच बार, दस बार, कितने सारे तो आ रहे हैं कि वो 10 बार देख चुके हैं। तो इस फिल्म की अपना अपना कुछ जादू है, इस फिल्म की कहानी में, इस जिस तरह से फिल्म बनाई गई है वो लोगों को छू रही है, लोग उससे वाकफियत रख रहे हैं। और उसमें जो किरदार में मुख्य किरदार है, जो जो मैंने निभाया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको प्यार प्यार कर रहे हैं, उसके हर बात को दिल से पसंद कर रहे हैं। तो ये कुछ अजीब तरीके का एक चीज़ हुई है। किसी पत्रकार ने कहा एक फिल्म नहीं है, ये पूरा आंदोलन बन चुका है। तो ये इस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं मुझे। आपके नाम के साथ टाइटल रोल चिपक जाता है, बोलते भीखू मात्रे, सरदार खान, निशिकांत तिवारी, अब सोलंकी, जी कितना खास पाते हैं आप सोलंकी को? ये देखिए, अच्छी बात क्या होती है कि जब आप एक एक्टर की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो किरदार बन जाए। और हम ज़्यादातर समय में क्या करते हैं कि हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि हम किरदार नहीं बन पाते हैं। लेकिन किरदार अगर बन गए तो फिर लोग आपको उसी तरह से याद रखते हैं। और जो अभिनेता के लिए सबसे बड़ी बात होती है, वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर लोग मुझे सोलंकी की तरह से देख रहे हैं तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। इसमें मैंने भी एक चीज़ नोट की, आप इस रोल को करते करते जो एक सीन है, जो बच्चे को आप पीट रहे हैं जी, वो एक वकील की सिस्टम के खिलाफ लड़ाई का फ्रस्ट्रेशन है, वो क्या सीन है, उसमें आपका कितना योगदान है? ये देखिए, जब हम लोग फिल्म बनाते हैं तो हम सबका योगदान होता है, लेकिन फिल्म तो डायरेक्टर का है, और डायरेक्टर से क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लूँगा और राइटर से। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, ये बड़ी कमाल की घटना है जो मैं ANI को बताऊँगा, कि वो रात शाम हो चुकी थी और सुबह से मेरा डायरेक्टर काम कर रहा था, बहुत दिन से कर रहा था, वो थक गया था, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उसने कहा कि मनोज सर, इसको हम अगले दिन करेंगे क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। और तब तक कैमरा लाइटिंग वगैरह हो चुकी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बैठ जा, मैं इसको कर लेता हूँ। तो वो वाला सीन जो है पूरा, वो उसने मुझे अनुमति दी कि मैं उसको डायरेक्ट करूँ उस सीन को। तो उस सीन को मैंने डायरेक्ट किया था, और जो पूरा क्या करूँ, काम नहीं करूँ क्या, ये सारा इम्प्रोवाइज है, वो सारा उसमें इम्प्रोवाइज हुआ था उस मोमेंट पे, पूरे किरदार के तौर पे जब मैं था। तो क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा होता है ज़िंदगी में, और वो बाहर के डिमांड और अंदर के घर के डिमांड पूरे करते करते जब थक जाता है, वो तब का फ्रस्ट्रेशन है। आपने रावण का एक उदाहरण उसमें दिया कि हाँ। रावण अगर सीता का अपहरण करता तो शायद माफ़ी होती, मगर उसने साधु बन के जो अपहरण किया, जो ये भेष बदल के जो ये कर्म किए जाते हैं, आपके हिसाब से औरतों पे अत्याचार ये कभी लगता है ख़त्म होगा? देखिए, जो बच्चों पे, औरतों पे जो जिस तरह से उनका हैरेसमेंट और उनका शोषण, हमारे समाज में एक कहें कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये इसका कहीं तो कोई अंत होगा। और अंत तभी होगा जब हम सब लोग सजग हों इस बारे में। और सजग कैसे होंगे, हम एक क्रिएटिव आदमी के तौर पे हम अपना पहला स्टेप ले रहे हैं कि हमने एक फिल्म बनाई और एक लोगों को जागरूक कर सकते हैं सिनेमा के द्वारा। समाज में लोगों को, औरतों और बच्चों को, उनकी सुरक्षा पे क्या करना है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं होता है, बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवार की होती है। और वो उस पर अगर ज़्यादा सजग होंगे तो बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी।